तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आज फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आ चुका हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए। तो चलिए, आज कौन सा डिज़ाइन है, क्या है, वो आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और ये हम 2 kg का केक बनाएंगे, बटर स्कॉच फ्लेवर में रहेगा, ठीक है। और ये जो स्पंज लगा रहा हूँ, ये नॉर्मल हमारा एग वाला स्पंज रहता है, प्रीमिक्स वाला नहीं है, ये हम लोग खुद से बनाते हैं, जो कि मैदा चीनी से, अंडा से। और एगलेस वाला जो हम लोग यूज़ करते हैं वो प्रीमिक्स का होता है, ठीक है। तो इसका भी अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हो, सुनील केक मास्टर यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, ठीक है। सुनील केक मास्टर स्पंज लिख दीजिएगा, आ जाएगा, फिर वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए, इसका अब हम फटाफट से लेयर लगा लेंगे और कटिंग्स डाल करके थोड़ा इसमें हाइट करना पड़ेगा, क्योंकि सीट से हम लोग बनाते हैं तो सीट में तो कैसे भी पतला ही बनता है, उतना हाइट होता नहीं है इसके लिए। तो ये हम बटर स्कॉच नट्स और प्लस इसमें जो क्रश डालते हैं बटर स्कॉच का, वो मैं ऑलरेडी इसमें डाल करके मिक्स करके रख चुका था। अब इसको कटिंग से सेट करना पड़ेगा, इसमें साइड साइड से अच्छे से लगाना होगा क्योंकि हाइट करना पड़ेगा हमें। तो चलिए, इसको भी सेट कर देते हैं और फिर आप लोग को हम आगे दिखाते हैं क्या करना है हमें, ठीक है। और अच्छे से सेट कीजिए ताकि आपका दबाने से भी या फिर कुछ भी थोड़ा ऊपर से प्रेस हो तो साइड से आपका कटिंग्स निकले ना, ठीक है। और फिर इसमें अच्छे से शुगर सिरप इसमें डाल लीजिए और क्रीम भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि जो भी हमारा कटिंग्स है वो केक के बाहर ना आए, कितना भी थोड़ा ऊपर से अगर दबे भी तो भी। और इसमें थोड़ा क्रीम एक्स्ट्रा डालिएगा कटिंग डालने के बाद में, ताकि जो भी थोड़ा बहुत जगह जो खाली है वहाँ पर पूरा भर जाएगा अच्छे से और फिर इधर उधर होने का टेंशन ख़त्म, ठीक है। तो बस एक ही ठो इसमें डालना था लेयर और कुछ नहीं, बस अब जो भी है साइड का पूरा इसमें कटिंग कर देंगे। शुगर सिरप डाल दिया ऊपर से भी, जूस हम लोग को थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है जो कि सिरप रहता है, क्योंकि यहाँ पे के लोग हैं ना एक नंबर है, ठीक है, जो कस्टमर्स हैं हमारे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने से सीधा कस्टमर आता है दुकान पर, बोल देता है सर को देखो ऐसा ऐसा, सर बोले तो मतलब सेठ जो हमारा ऑनर रहता है उन लोग को। तो ये वाइट क्रीम आइसिंग कर रहा हूँ, इसमें न्यूट्रल जेल का काम है हमारा आगे जो भी मैं करूँगा। और इसका जो बेस रखते हैं ना स्टैंड पे, इसको स्टेट में रखना पड़ता है। इससे होता है क्या है, जो हम लोग जेल वगैरह डालते हैं फिर कुछ भी ट्रफल भी यूज करते हैं, अगर ऊपर से जो लाइनिंग हमें करना होता है तो वो सेंटर में रहेगा, ठीक है, और अगर आगे पीछे आप करने से वो पूरा ख़राब होगा, फिर एक जगह पर पूरा आ जाएगा एक जगह पर नहीं आएगा। तो ऐसा ना करें, आप लोग भी सेंटर में रख के और फिर डिज़ाइन करिए। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है फिर मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में भी कीजिए, अगर देख जाएगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन हाँ, इंस्टा पे है कि आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट मिल जाएगा। इसका कोर हमें थोड़ा गोल करना था और फिनिशिंग करना है, तो नीचे थोड़ा क्रीम हमको कम पड़ रहा है तो थोड़ा क्रीम और डालना पड़ेगा ताकि हमारा ऊपर से नीचे तक बराबर हो जाए, ठीक है, आप देख सकते हो। और फिर इसको अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। और इसमें हम फ्लावर भी बना करके दिखाएंगे, एक स्टैंड पे ही बनेगा वो भी फ्लावर, सिंपल सा रहेगा, वो भी आप ट्राई कर सकते हो अपने घर पे कैसे बनाते हैं, या अगर जो बेकरी में नया सीख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये केक फिनिशिंग करने का थोड़ा टाइम लग जाता है और हम लोग का प्रॉब्लम है ना, जब तक अच्छे से फिनिशिंग करते नहीं तब तक छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। ये हो गया, अब ये ऑरेंज जेल डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है, न्यूट्रल जेल रहता है ना वो नॉर्मल लिक्विड कलर डाल करके और थोड़ा पानी ऐड करके इसको बनाया हूँ। इसका भी देखता हूँ, अगर होगा तो एक दो वीडियो में डाल दूंगा देखने के लिए ताकि पता चल जाए आप लोग को। हर एक रेसिपी मतलब मेरे चैनल पे अब डाल दूंगा, लगभग हर एक चीज़ का मिल जाएगा आप लोग को, कैसे क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, अपना कैसे क्या करते हैं, देख सकते हैं कितना फिनिशिंग में और अच्छे से डल गया। नीचे थोड़ा सा वाइट इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि हमें बटर स्कॉच नट्स उसमें लगाना पड़ेगा, अगर लगाना चाहते लगा भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी छोड़ दीजिए चलेगा। लेकिन इसमें हम तो क्रीम डाल दिया, बटर स्कॉच नट्स नहीं लगाएंगे, सॉरी भूल गए थे, नहीं लगाना था, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो, बटर स्कॉच का था नीचे का। अब ऊपर में ये भी न्यूट्रल जेल है, ठीक है, कैरेमल डाल करके बनाया हूँ, ब्लैक वाला जो रहता है। अब बस टूथपिक लेकर के अपने तरफ से इसको खींच देंगे, ठीक है, ये प्लेन होने के बाद में, और उसके बाद नीचे ऊपर पूरा फ्लावर सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये अपने साइड पर जितना होगा लाइनिंग एक बराबर करके अब खींच दीजिए, एक थोड़ा सा डिज़ाइन देखने में लग जाता अलग सा। ये भी काउंटर मॉडल था अपना, मतलब मास्टर चॉइस था, ये कस्टमर का डिज़ाइन नहीं था, फोटो वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया था इसका, डायरेक्ट हम अपने हिसाब से जो आया जैसा आया करते चले गए, ठीक है। इसमें भी एक नीचे का भी डिज़ाइन, ये भी न्यूट्रल जेल ही है, ट्रफल नहीं है, क्योंकि देखने से लगता है कि ट्रफल होगा लेकिन वो नहीं है। वीडियो में क्या है नहीं है पूरा क्लियर कर देता हूँ, आप लोग अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो हमें पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, पहले भी बोल चुका हूँ।
और कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट तो लगभग दिखने से अगर होता है तो मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ कमेंट का सामने आ जाने से। कमेंट ही इतना सारा हो जाता है ना जो कि नहीं देख पाता हूँ। रिसेंट वीडियो जो अपलोड करता हूँ उसका कमेंट कुछ देख लेता हूँ, ठीक है। फिर पुराने वीडियोज़ पे कमेंट आते हैं तो वो फिर नीचे चला जाता है, तो फिर वो दिखता नहीं है। ये केक हो गया रेडी, ठीक है। अब इसमें चलिए फ्लावर का करते हैं। फर्स्ट पिलर बना करके राउंड करना होगा, और इसमें जो भी आपको कलर डालना आप डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा हो गया, अब इसको साइड से कटिंग कर देंगे, बस आगे की ओर ले जाके अपनी तरफ खींच दीजिए, आगे की तरफ लेके फिर अपने साइड खींच दीजिए, बस ख़त्म। ये देख सकते हैं कितना सुंदर सा फ्लावर बन गया, ठीक है। बस ऐसे ही सारे फ्लावर्स बनाना पड़ेगा, अलग अलग कलर में बनाइए और भी अच्छा लगेगा। रेड का है तो रेड का, ब्लू, येलो, पीला, नीला, जो भी कलर इसमें डालना है डाल सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। सेम वैसे ही कट करके बनाते जाइए, बस कुछ भी नहीं है इसमें। ये भी एक सिंपल सा ही फ्लावर है अगर देखा जाए तो, इसमें भी ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं बनाने के लिए, स्टैंड पे ही बनना है आपको। लेकिन हाँ, क्रीम थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा, और जैसे कलर वगैरह डालते हो कुछ भी, तो बस स्लो स्लो घुमाते जाइए और कट करते जाइए फ्लावर बस। और साइड पे, पत्ती पे, मेरा तो ये सब एक ही कलर का ये बनेगा इसके लिए। और अपना आप चाहो तो कुछ भी कलर इसमें डाल करके बना सकते हो। और फिर सेट करना है तो फिर अच्छे से सेट कर दीजिए, ठीक है। साइड से 3, 4, 5, 6 जितना आपको डालना है डाल सकते हो, अगर 2 तो 2, 3 तो 3, बीच में भी डालना चाहो तो इसमें जो डिजाइन है बीच में भी डाल सकते हो। मैं साइड से डाल दिया और प्लस 2 नीचे डाल दिया। अब इसमें ग्रीन कलर क्रीम से ही बना करके इसका पत्ता डाल देता हूँ साइड साइड से, क्योंकि उससे थोड़े देखने में और भी अच्छा लग जाएगा। ये भी हो गया, देख सकते हैं, एक सिंपल सा केक था, ठीक है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर था ये वाला केक। और अगर आप लोग बनाना चाहते बना सकते हो, और प्लस हमें भी आप अपना राय जरूर दें, ठीक है। ये केक आपको कैसा लगा आप लोग को जो भी आप देख रहे हो, ताकि हमें पता चले कि हाँ जो मैं आपको केक बना करके दे रहा हूँ आप लोग को अच्छा लगता है नहीं, डिज़ाइन वगैरह कुछ भी, तो वो भी कमेंट जरूर करें, ठीक है।